छात्रों, आपके सामने एक नया विषय उभर कर आया है जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप आईएएस के पेपर दे रहे हों, पीसीएस का दे रहे हों, किसी स्टेट के एग्जाम दे रहे हों, चाहे किसी भी एग्जाम दे रहे हों, वो प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया वर्सेज सरकार के बीच का विवाद गहरी जड़ें पकड़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार का प्रयास है कि उसकी जड़ों को काटा जाए और उसकी पत्तियों को छांटा जाए, यानी उसे कानूनी रूपरेखा के दायरे में उसे लाया जाए। समझने की जरूरत है कि जो विवाद, अति विवाद आप कह सकते हैं, वो इसलिए बन गया क्योंकि सोशल मीडिया ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जिसके कारण संवैधानिक पद पे, यानी आपके भारत के, यानी हमारे देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ उसने कुछ अपने नियमों के तहत कार्य किया। वो क्या कार्य किया कि ब्लू टिक विवाद, जो ब्लू टिक विवाद है उसको जन्म दिया। ये पहले तो ये समझना होगा कि ब्लू टिक है क्या। ब्लू टिक विवाद के जन्म के पहले जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे ब्लू टिक है क्या, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम एनालिसिस करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम सीधे बात करें कि ब्लू टिक विवाद, ब्लू टिक विवाद। तो ब्लू टिक विवाद को समझने के पहले आपको यह देखना होगा कि ब्लू टिक है क्या। उसके पहले ये क्यों विवाद उत्पन्न हुआ कि एक तरफ सोशल मीडिया और दूसरा वर्सेज सरकार। ये कुछ महीनों से आप देख सकते हैं सरकार कुछ नियम रूल रेगुलेशन लागू कर रही है जिसे सोशल मीडिया उसे इनकार कर रहे हैं या पूरी तरह लागू करने में इतराज जता रहे हैं, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन अभी देखिए, सोशल मीडिया, जैसा आप जानते हैं सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है एक दूसरे से संचार कर, एक दूसरे से बंधना समाज में, और ये चीज आप जान रहे हैं परिभाषा में, ठीक है। सोशल मीडिया यानी सामाजिक, जो भी सोशल मीडिया है, जैसे आप ले सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि, ऐसे तमाम सोशल मीडिया आप देख सकते हैं। और वर्सेस सरकार, सरकार ये विवाद इन दोनों के बीच है, इसको समझना होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सरकारी विभाग में जा रहे हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए पूरे समाज को चला रहे हैं, जो चला रही है उसके साथ विवाद उत्पन्न हो गया। आप जानते हैं कि सरकार जो है वो शासन करती है लोगों पर शासन करती है, जबकि सोशल मीडिया, आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लोगों के मन मस्तिष्क और दिल दिमाग पर शासन। तो इससे पहले ये समझिए परीक्षा की दृष्टि से कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो ब्लू टिक विवाद क्या है पहले ये समझिए क्या है। इसको समझने के लिए बस इतना जानिए कि ये ब्लू टिक ट्विटर द्वारा लाया गया ब्लू टिक, और ये ब्लू टिक एक वेरीफाइड अकाउंट करने की प्रक्रिया है, यानी किसी का अकाउंट है, एक्स नाम का व्यक्ति है, अगर उसके अकाउंट पे ब्लू टिक हो जाए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं जो व्हाट्सएप का प्रयोग आप करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, आप देखते हैं जब वो पढ़ लेता है तो उसमें ब्लू टिक हो जाता है, ठीक है। तो ब्लू टिक सोशल मीडिया का एक, ये कह सकते हैं, उपकरण है, सॉफ्टवेयर का उपकरण है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वेरीफाइड है। उसी प्रकार से व्हाट्सएप पे जब किसी को मैसेज भेजते हैं तो जब पढ़ लेता है तो वेरीफाइड हो जाता है कि पढ़ लिया मैसेज। अब किसी एक्स नाम का व्यक्ति का अकाउंट है, अगर उसके अकाउंट में
ब्लू टिक हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसका अकाउंट जो है वो ऑथेंटिक है, फर्जी नहीं है, यानी वो किसी ऐसे शख्स का है जो कि वास्तविक है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि भारत में ही है, यूएसए, यूके इत्यादि जगहों पे चल रहा है। तो ये ब्लू टिक इसलिए भी लाया गया क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में ऐसे तमाम फर्जी अकाउंट भी वर्क कर रहे हैं। आए दिन आपको सुनने को मिलता है कि ये मैसेज यहाँ से भेजा गया, वहां से पता चलता है कि वो होता ही नहीं है। अक्सर आप सुनते हैं कि एक दूसरे के ठगी का शिकार होते हैं, ठीक है, कोई ठगी कर रहा है, कोई इसका शिकार हो जाता है। ऐसे तमाम चीजों से बचने के लिए वेरीफाइड किया जाता है जब ब्लू टिक। और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से अब जो एक हो गया ना, एक फर्जी अकाउंट, एक ऑथेंटिक अकाउंट। ऑथेंटिक अकाउंट इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सेलिब्रिटी, सरकार, कंपनियां, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, गेमिंग एक्टिविटीज इत्यादि लोग अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर अपने और उनके जो कस्टमर कहिए, उनके फॉलोअर कहिए, उन तक अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का कार्य करती हैं और जो उनके जनता है किसी भी रूप में है उन पर विश्वास करती है। तो ये ब्लू टिक क्या है? ये वेरीफाइड अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट यानी अकाउंट वेरीफाइड करने की प्रक्रिया है। अब दूसरी बात, इसे कौन लेते हैं, ये किसके लिए है, यानी कौन इसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं, या देख सकते हैं कि कौन लेते हैं कि ये सोशल मीडिया ट्विटर ने इसे 6 कैटेगरी में बांटा। 6 कैटेगरी क्या है? पहला, सरकार, यानी सरकार ले सकती है ब्लू टिक। दूसरा, कंपनी उसके ब्रांड, जो ब्रांड होते हैं, ठीक, उसके ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ब्रांड बना रही है कंपनी, तमाम कंपनियां हैं, टाटा है, रिलायंस की है, ठीक है, इत्यादि, तो कंपनियां हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन है इत्यादि। तीसरा, अगर बात करें तो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज चैनल, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जो जर्नलिस्ट इसमें काम कर रही है, यानी न्यूज एजेंसियां, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट इत्यादि। चौथा, आप मनोरंजन के क्षेत्र में जो काम करो, एंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र कर रहे हैं। और पांचवा, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग। आप जानते हैं कि गेम और स्पोर्ट्स एक व्यापक विस्तार ले चुका है। इसमें हर प्रकार के गेम है, फिजिकल गेम है, मेंटल गेम है, तमाम तरह के गेम है। और गेम का इस विस्तार को विश्वास में बदले कि फर्जी गेमिंग नहीं है, वो गेमिंग कंपनियां इसमें ब्लू टिक लेती हैं। तो कौन हो गई? अगला, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, ठीक। और लास्ट है एक्टिविटीज, यानी जो एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल हैं, यानी सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले कह सकते हैं एक्टिविस्ट या इंडिविजुअल, इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल, ठीक है। आपने देखा सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है, कंपनी, ब्रांड, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ये मनोरंजन, स्पोर्ट्स, गेमिंग, यानी पर्सनल भी ले सकते हैं, पर्सनल लोग भी ले सकते हैं। तो ये आपको दोनों क्लियर हो गया कि क्या है ये और कौन लेते हैं। 6 कैटेगरी है। दूसरी बात, कैसे मिलता है? तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे मिलता है, कैसे मिलता है? ये आपके अकाउंट में, यानी जो सोशल मीडिया पे वो अकाउंट बनाया है ट्विटर पे, एक उदाहरण ले रहे ट्विटर पे, तो ट्विटर में अकाउंट पे ब्लू टिक जो होता है चरणबद्ध तरीके से दिखता है। चरणबद्ध का मतलब होता है
अल्टरनेटिव तरीके से, यानी ए बी सी डी इत्यादि लोग हैं, तो सबको ए बी सी डी को एक साथ वो ऑप्शन नहीं दिखेगा, यानी चरणबद्ध तरीके से दिखेगा और उस प्रकार से जो उसमें लेना चाहता है वो देगा, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, अपनी आईडी भरकर उसका फॉर्म भरते हैं, फिर एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। अगर 30 दिन के अंदर वेरीफाइड नहीं हुआ तो आप फिर से रिफाइल कर सकते हैं या रिसबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो भी आपको नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में डिजिटल एजेंसियां वर्क, डिजिटल एजेंसियां वर्क कर रही हैं। देखें कुछ डिजिटल एजेंसियां आपको ये सुविधा प्रदान करती हैं कि वो ब्लू टिक आपको खुद प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, खुद प्रोवाइड करती हैं। ऐसी एजेंसियां mpsocial.com, blackhatworld.com और भी एजेंसियां हैं जैसे swapphone.com इत्यादि, बहुत सी एजेंसियां हैं जो आपसे पैसा लेती हैं और आपको ब्लू टिक वेरीफाइड करवाकर प्रोवाइड करती हैं। तो यही काम नहीं करती हैं, ये सोशल क्षेत्र में काम करने वाली ये डिजिटल एजेंसियां, ये डिजिटल एजेंसी और भी काम करती हैं। डिजिटल एजेंसी है, डिजिटल एजेंसी ये क्या काम करती है, आपके आपका जो पोस्ट जो आपने किया है उसको बूस्टिंग का भी काम करती है, आपके पोस्ट को बूस्ट करती है, ठीक है, आपके बूस्ट करती है, पोस्ट को बूस्टिंग करती है। इसके अतिरिक्त जो काम करती है, फॉलोवर्स को बढ़ाती है, बढ़ाने का भी काम करती है। इस प्रकार से ब्लू टिक पूरा काम करता है। अच्छा, यहीं पर मैं अगर समझा दूं कि ग्रीन टिक भी है, और कुछ दिन पहले अगर आप न्यूज में पढ़े होंगे तो रेड टिक भी आया था, लेकिन बाद में ये हुआ कि ये फर्जी है, रेड टिक ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रीन टिक आपको यहां समझना होगा कि ग्रीन टिक भी होता है। ग्रीन टिक परीक्षा में अगर कुछ दिन ग्रीन टिक क्या है, ये व्हाट्सएप द्वारा लाया गया, व्हाट्सएप द्वारा लाया गया, किसके लिए, बिजनेस, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यापार से जुड़े हैं, वो अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट भी विश्वसनीय बन सके, उनका प्रोडक्ट भी विश्वसनीय बन सके, ठीक है, प्रोडक्ट विश्वसनीय बन सके और उनके कस्टमर का विश्वास उस कंपनी पे और अधिक मजबूत हो। तो ये ग्रीन टिक है, इस प्रकार से ग्रीन टिक व्हाट्सएप में काम कर रहा है, ब्लू टिक यहां पर। लेकिन अब ये तो रही प्रक्रिया ब्लू टिक, अब आपने ब्लू टिक को समझ लिया है, ब्लू टिक क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो ब्लू टिक बैज जो है, ब्लू टिक जो वेरीफाइड हो जाएगा उसी को ब्लू टिक बैज, बैज भी कहते हैं इसको, ठीक है, ब्लू टिक बैज प्रदान किया जाएगा। ये ब्लू टिक बैज अभी आपके संवैधानिक पद पर बैठे हुए सर्वोच्च द्वितीय पद पे जो है उपराष्ट्रपति महोदय, उनके अकाउंट से ट्विटर ने बिना पूर्व सूचना दिए इस ब्लू टिक को हटा दिया। ऐसी स्थिति में यह विवाद जन्म हो गया, सरकार और सोशल मीडिया के बीच विवाद हो गया। इस विवाद को समझते हैं, आइए। अब ब्लू टिक और सरकार के बीच क्या विवाद उत्पन्न हुआ है इसको गहन तरीके से समझना होगा कि ब्लू टिक और सरकार के बीच विवाद वर्सेस सरकार, यानी ब्लू टिक खुद अपने आप में एक नहीं है, इसके पीछे तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
तो ये उपराष्ट्रपति जी के अकाउंट से हटाया गया तो विवाद उत्पन्न हो गया। तो ये ट्विटर के द्वारा हटाया गया था। ट्विटर का ये कहना है कि हम किसी खास या सामान्य के बीच में भेद नहीं करते हैं, और यदि किसी अकाउंट में अगर अधूरा कंटेंट हो या बहुत दिन से एक्टिव ना हो, या मान लीजिए कि उनके अकाउंट को संशय हो, ऐसी स्थिति में ब्लू टिक वहां से हटाया जा सकता है। ये विवाद जब उत्पन्न हुआ तो सरकार यानी आईटी मंत्रालय की बहुत कड़ा रूप अपनाया, उन्होंने उनको नोटिस भेजा। ऐसी स्थिति में तुरंत ही 3 घंटे के अंदर उन्होंने फिर से वापस ब्लू बैच यानी ब्लू टिक आपके उपराष्ट्रपति महोदय के अकाउंट में पुनः ला दिया गया। तो इसके लिए पहले समझना होगा कि ट्विटर, ये विवाद आज का नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार जो कानून का पालन करने के लिए सोशल मीडिया को निर्देश दे रही है उसका प्रतिक्रिया दिया, ठीक है, प्रतिक्रिया दिया। और ये सरकार क्या कानून ला रही है इसको पहले ये देख लीजिए कि आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। न्यायपालिका अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इत्यादि के क्रम में, विधायिका संसद है, राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है, और यही राष्ट्रपति के नाम पे आप कार्यपालिका का सर्वोच्च है, ठीक, कार्यपालिका का सर्वोच्च। अब ये स्थिति यानी ये सरकार, ये मामला इतना हुआ व्हाट्सएप और ट्विटर ने, फेसबुक इत्यादि ने विरोध किया, उसमें से कुछ सोशल मीडिया कोर्ट में चले गए, न्यायालय चले गए, और ये विवाद अभी चल रहा है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरी बात ये समझना होगा कि सरकार ट्विटर ये कह रहा है कि वाक्य स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता का ही रूप है सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बोलने की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19(1) के तहत है। और अगर कह रहा है कि इसका यानी सरकार के निर्देशों का अगर पालन किया जाए तो फंडामेंटल राइट का यह उल्लंघन होगा, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। लेकिन यहां पर आपको यह समझने की आवश्यकता है कि फंडामेंटल राइट के सभी क्लॉज में यह कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अगर नुकसान पहुंचे किसी भी प्रकार से तो वहां पर वाक्य स्वतंत्रता यानी आप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और सरकार इसके लिए कानून बना सकती है और वो कानून को लागू कर सकती है। और आप जानते हैं कि यहां राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख है, और आर्टिकल 52 से लेकर आप 78 तक कार्यपालिका के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति का पद भी है, वो भी संवैधानिक पद है, 89 आर्टिकल 89 पढ़ रहे हैं, इसके आगे भी आर्टिकल जा रहा है पूरा डिटेल। यहां पर यह ना समझकर हम ये समझें कि सरकार का एक तरफ फंडामेंटल राइट का क्या उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट यानी मूलाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट वर्सेस सरकार के नियम। और संविधान में ये कानून ने अधिकार दिया है कि अगर किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो कोर्ट में चैलेंज करके उस कानून को रद्द कराया जा सकता है। इसी के आधार पर सोशल मीडिया ने कोर्ट में चैलेंज किया सरकार को। तो सरकार का क्या निर्देश है जिसको मानने के लिए इनको दिक्कत है,
और इनका क्या रुख है ये जानना बड़ा जरूरी है। आज सोशल मीडिया का युग है, विश्व एक गांव बन गया है वो डिजिटल जुड़ाव के कारण। आपको जानना हो चाहिए कि सोशल मीडिया का अगर घंटों के दृष्टि से इस्तेमाल करने की बात की जाए तो फिलीपींस जो पहला देश है, फिलीपींस पहला देश है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे इस्तेमाल, यानी वहां के लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। 3 घंटे 50 मिनट प्रतिदिन। फिर उसके बाद नाइजीरिया का नंबर आता है, ठीक, वो 3 घंटा 42 मिनट प्रतिदिन। और तीसरे नंबर पे पूरे विश्व में इंडिया का आता है वो 2 घंटा 26 मिनट प्रतिदिन। यानी एक औसत मनुष्य का निकाले भारत के लोग तो 2 घंटा 26 मिनट सोशल मीडिया पर लगाते हैं, यानी सोशल मीडिया आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो यानी सोशल मीडिया के साथ विवाद कहीं ना कहीं आपके 2 घंटे 26 मिनट का विवाद, 2 घंटा 26 मिनट का विवाद। अब सरकार का पक्ष क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। इस विवाद में, विवाद का जन्म क्या हुआ, इसमें दो पक्ष है, सरकार के पक्ष। सरकार ये कह रही है कि एक कंप्लायंस ऑफिसर, यानी शिकायत किसके पास किया जाए, एक अधिकारी की नियुक्ति करें, यानी कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यानी जिसके पास शिकायत कर सके उसकी नियुक्ति करे। कौन? ये सोशल मीडिया कंपनियां, ठीक है, शिकायत स्वीकार करने वाले, यानी कंप्लायंस अधिकारी स्वीकार करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति, नियुक्ति करे। दूसरा, नोडल अधिकारी जो सरकार के नोडल ऑफिसर हैं उनसे तालमेल बनाकर चले, नोडल ऑफिसर से तालमेल बनाए, तालमेल के साथ काम करें, मंथली रिपोर्ट दे, यानी मंथली रिपोर्ट दे। सरकार के पास आईटी मंत्रालय को जमा करें, ठीक है। दूसरा बात है, आपको कंटेंट का जो भी कंटेंट है, कंटेंट अगर सरकार आपत्ति कर रही है तो उसके ओरिजिनेटर यानी कहां से उत्पन्न हुआ है वो बताना पड़ेगा। ओरिजिनेटर यानी आप जानते हैं कि देश में बड़े विवाद उत्पन्न होते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को लेकर कभी दंगा हो जाता है, कभी फसाद हो जाता है, किसी के बारे में ट्वीट किया जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में सरकार आगंतुक भी कोई भी अफवाह, ए से बी की तरफ चल रहा है, बी से सी की तरफ चल रहा है, सी से डी की तरफ चल रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार का ये कहना है कि हम बी से नहीं मतलब है, सी से नहीं मतलब है, डी से नहीं मतलब है, हमको ये बताओ कि कंटेंट का ओरिजिनेटर कौन था, कौन उस कंटेंट को, अफवाह को, दंगा फसाद जैसे मामले हुए तमाम जगह, तो उसका शुरुआत, उस मैसेज का, उस पोस्ट का शुरुआत कहां से, यानी ए का नाम बताना होगा, ए का नाम बताना होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त सरकार का यह कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, ऑफिस बनाया जाए, फिजिकल एड्रेस हो, हवा में आप बात कर रहे हो तो फिजिकल एड्रेस बनाइए ना, क्या दिक्कत है, हर कंपनी का होता है तो आप भी फिजिकल एड्रेस बनाइए, यानी सॉफ्टवेयर नहीं कुछ हार्डवेयर टैग वाला हो जाए, बिल्डिंग्स हो, फिजिकल एड्रेस हो जहां पर कंप्लेंट किया जाए, इस तरह का होना चाहिए। दूसरा, न्यूडिटी अश्लीलता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो है उस कंटेंट को, न्यूडिटी वगैरह जो है यानी अश्लीलता और इस तरीके से कोई मामले हैं उसको 24 घंटे के अंदर हटाया जाए, 24 घंटे के अंदर हटाया, यानी जितने
जितने भी न्यूडिटी वगैरह जो भी है उसको 24 घंटे के अंदर हटा दें, ठीक है। तो ये है सोशल मीडिया को इन चीजों को लागू करना है। सरकार अगर किसी रिपोर्ट को मांग रही है उसे देना है। ये तमाम है, सबसे ज्यादा इनको सोशल मीडिया को दिक्कत कहां है, जहां कंटेंट का ओरिजिनेटर सरकार ये कह रही है कि आपका एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि ट्विटर को सबसे पहले भारत ने अपनाया, उसके बाद भी 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी ट्विटर का अभी तक कोई पर्टिकुलर इस प्रकार से कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ। तो क्या माना जाए ट्विटर भारत के नागरिकों को एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ सुविधाएं नहीं देना चाहती है? सिर्फ आप फंडामेंटल राइट के आधार पे इसको चुनौती दे रहे हो, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कोई अगर अफवाह फैलाए या देश की एकता अखंडता खंडित करे उसे दंडित किया जाए, उस तक पहुंचा जाए? तो कंटेंट ओरिजिनेटर व्हाट्सएप का कहना है, व्हाट्सएप का कहना है कि हमारा जो मैसेज होता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। अगर इसको तोड़ेंगे या इसको खोलेंगे तो निजता का उल्लंघन होगा, यानी प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, निजता का उल्लंघन होगा। अब निजता का उल्लंघन का मतलब है, इस विवाद में सबसे बड़ा जो मैं बता रहा था कि कंटेंट ओरिजिनेटर को लेकर व्हाट्सएप का मत है, व्हाट्सएप का अगर मत है, ये कह रहा है व्हाट्सएप कि हमारा जो मैसेज होता है इंड टू इंड इंक्रिप्टेड है। अगर इसको खोला जाए यानी इसका पता किया जाए कि मैसेज ए बी सी डी यानी किसके तरह कहां से उत्पन्न हुआ है, इसको बताया जाएगा बी से प्रारंभ हुआ है इसी से, ऐसी स्थिति में निजता का उल्लंघन होगा, यानी वो कह रहा है कि निजता का उल्लंघन यानी अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। यानी सोशल मीडिया के पास दो आर्टिकल पर लड़ाई है, यानी वो दो आधार बना रहे हैं, एक आर्टिकल 19(1) और एक आर्टिकल 21। एक आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक आर्टिकल 21 निजता का। ऐसी स्थिति में अब ये विवाद सरकार ने इनको नोटिस दिया है ये कहने के लिए कि आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानते हैं तो भारत से कोरिया बिस्तर बंद कीजिए और हटिए, क्योंकि भारत में रहने के लिए भारत के लोकतंत्र के अकॉर्डिंग जो बनाया गया है हमारा नियम कानून उसको पालन करना ही होगा, चाहे वो सोशल मीडिया की कंपनी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई देश का या कोई भी नागरिक क्यों हो, उसको भारत के भूमि पर वर्क करना है और प्रॉफिट करना है, भारत के इसके लोगों से पैसा कमाना है, तो भारत के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ए बी सी डी में से बी ने कोई ऐसा कंटेंट दिया है तो समाज में वैमनस्य का भावना उत्पन्न होगा, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे, तो बी को दंड देना है, न कि बी के अभिव्यक्ति और उसकी निजता को उल्लंघन को बचाया जाए। सरकार का यह भी कहना है कि आप ऐसे नियमों का अमेरिका ब्रिटेन में तो पालन करते हैं लेकिन भारत में आनाकानी कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो भारत ने इस प्रकार से इन्हें नोटिस दिया है और एक मौके फिर दिए हैं राष्ट्रपति जी का, ये विवाद जो राष्ट्रपति का ट्विटर के साथ विवाद हो गया, उन्होंने ब्लू टिक हटाया तो विवाद हुआ, आज नोटिस दिया। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि अगर ये उल्लंघन करते हैं और नियम नहीं मानते हैं तो आईटी एक्ट है बनाया गया था सोशल मीडिया इंटरनेट इत्यादि के लिए, आईटी एक्ट 2000 बनाया गया था, 79 धारा का उल्लंघन मानते हुए इस पर कार्रवाई
होगी और क्या कार्रवाई होगी उस अपडेट के लिए आप बने रहिए।